पीछे वाला तो लग गया है ना, अब आगे वाला लगेगा। एक बार देखो लुक देखो, ऐसी आ रही है, बढ़िया लग रही है, एक नंबर भाई। आज देखो नया खर्चा आ गया, देखियो टूट गया है ना भाई, आगे वाला स्पॉकेट हो गया था। ये सारे स्पॉकेट ले आओ भैया एक। गाइस देखो ये रहा ओरिजिनल स्पॉकेट आगे वाला, ये देखो और वो दिखाइए काली, ये देखो कितना छोटू सा लग रहा है इसका आगे, अरे कितना घिस गया है ना देखो। अच्छा कितने किलोमीटर पर खराब हो जाता है ज्यादातर? 18-20 हजार। फोन गिर गया ना, फोन टूट जाएगा। देखो मलू खोने का मैंने उसका बना रखा था। हेलो पैंथर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई ये खड़ी अपनी कुकू और अपन आए भाई जुम्मा पढ़ने। आज रमजान का तीसरा जुम्मा है और भीड़ तो आपको पता है बहुत कड़ी रहती है रमजान के टाइम पे, और वो रही मस्जिद। भाई आज तो पापा भी आए, पापा मैं शौकीन अरमान हम तीनों आए। एक बार जुम्मा पढ़ लेता हूँ फिर अपन चलते हैं व्हील कवर चेंज करवाने, ठीक है? गाइस सोकन भैया को देखो कार कहाँ लगा रखी, छाया नहीं यहाँ खड़ी थी वैसे, देखो कहाँ लगा दी। फोन चला रहा बैठ के। चलो फटाफट से घर चलते हैं और भाई अपने व्हील कवर चेंज करवा के लाते हैं ना, हाफ लगवाऊंगा देखते हैं कैसे लगते हैं, बट बढ़िया लगेंगे हाफ भी, और ऑरेंज वाली तरफ से लगवाएंगे आगे वाले भी और पीछे वाले भी, है ना। चलो फटाक से चलते हैं, देखो कहाँ खड़ी कर रखी गाड़ी। तो गाइस अपन रेडी हैं, थोड़ी सी शाम भी होगी, मौसम मतलब धूप कम होगी, और देखो ये रहे हाफ व्हील कवर जो अपन ने मंगवाया, ये पकड़ने के बाद एक एक खोल, अंदर से तो आपको पता है ऐसे हैं और बाहर से आपको पता है ऐसे हैं। चलो अपन चल रहे हैं इनको लगवा के आते हैं, और भाई ये इस तरफ से लगवाएंगे ये रेड ब्लैक जो डिज़ाइन है, और जो अपना आगे वाला है ना उसको भी चेंज करवा लेंगे, ये जो रेड ब्लैक वाला डिज़ाइन है इसको अंदर की तरफ करवा लेंगे, और पीछे वो फुल तो हट जाएगा, ये हाफ लग जाएंगे, ठीक है? तो फिर देखते हैं कैसी लगती है, इनको बैग में रख ले इसमें, फिर देखते हैं भाई अपनी पैंथर कैसी लगती है, और ये रहा अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो चलो फटाक से चलते हैं, और भाई ये वॉश भी करवानी है, उसके बाद इसकी चेन की सफाई भी करवानी है अच्छे से, और फिर ये व्हील कवर इंस्टॉल करवाना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अपन फटाफट निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और फिर देखते हैं भाई अपनी पैंथर की कैसी लुक आती है, ठीक है? चलो तो भाई चलो फटाफट चलते हैं अपन। और भाई आज तो बिल्कुल रोज़ा नहीं लगा क्योंकि मैं सो के ही 1 बजे खड़ा हुआ था, फिर जुम्मा पढ़ने चले गए और फिर अब आ गया यहाँ पे। भाई अपन लेट हो गए क्योंकि मैं रास्ते में ना कुछ रील्स वगैरह शूट करने लग गया था, उसके चक्कर में शायद अपन लेट हो गए, बट कोई नहीं फटाफट चलते हैं। अजय से बोलेंगे भाई फटाफट काम कर दें, ये दोनों अंकल खड़े हैं जो एक तो हमारी कॉलोनी का था और एक पता है सोनू के मामा थे जिसकी KTM RC 125 थी ना, उसके मामा हैं एक। लो भाई आगे 2 मिनट में अजय भाई की शॉप पे, ज़्यादा दूर नहीं है, अजय की शॉप मेरे घर से पास में ही है। भाई अब देखो अजय भाई कितना टाइम लगाता है चेंज करने में व्हील कवर, यार बाइक वॉश भी तो करानी है, मेन चक्कर तो ये है यार बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है अपनी, और चेन वगैरह क्लीन करवानी है। पर देखो फटाफट करवाते हैं, जैसे 5 तो बच चुके भाई अपने पास, 1 घंटा है, 1 घंटे में सारा काम होगा या नहीं। और भाई फिर देखना लुक अपनी पैंथर की है ना हाफ व्हील कवर लगने के बाद, और जो मेरे भाई बोल रहे थे ना कि साहिल भाई पहले वाला ही लगवा लो, पहले वाला ही व्हील कवर लगवा लो, वो सेम अच्छे लगते हैं, तो भाई आज अपने चेंज हो रहे हैं, ठीक है? लुक देखना फिर। तो भाई आ गए अपना जो भाई की शॉप पे है ना, यहाँ पे पूरी बाइकों की दुकान है, जिस भाई को कुछ भी काम करवाना है तो इधर आ जाओ। देखो ये राज, आज देखो नया खर्चा आ गया, देखियो टूट गया है ना
भाई आगे वाला स्पॉकेट हो गया, स्पॉकेट ले आओ भैया एक लिया यार मुंह ना बताओ वो जेमन ऑटो पार्ट्स वाला वही से लाऊं हां और एक टारपिन की बोतल ले आना और भाई अपन चैन साफ करेंगे लगी अपनी बाइक वो नितेश की बाइक है और रोहन भी यही है रोहन ने लाइट लगवाई है दिखाऊंगा कैसी लग रही है इसको पटक दे इसका क्या करूंगा मैं फेंक दे क्या कहूं आगे वाला स्पॉकेट है वर्जन 3 का है ला दे दे मेरे को मैं ले जाऊं यार 14 टी का बता कब कपड़ा में दे दे मैं ले जाऊं आ जाओ तैर के आओ फटाफट आ जा गाड़ी दौड़ के जाएंगे तैर के आएंगे आ जा गाड़ी अरे आ जा ना आ जा भाई इस पॉकेट का खर्चा और आ गया चलो कोई नहीं ये तो बाद में भी चेंज होता अब हो जाएगा करवा देते हैं इसे तभी आवाज आ रही थी अपनी बाइक में से देखो ये टूटा हुआ है ना गाइस देखो ये रहा ओरिजिनल इस पॉकेट आगे वाला ये देखो और वो दिखाइए गाड़ी ये देखो कितना छोटू सा लग रहा है इसका आगे यार कितना घिस गया है ना देखो छोटा सा लग रहा है और ये तार पेन की बोतल है चैन साफ होगी अच्छे से तो इसको लगवाएं फटाफट भाई इसका तो मेरे को अभी पता चला है हल्की सी आवाज़ तो आ रही थी चैन में से इतनी नहीं आ रही थी पर और भाई अजय ने देखो ये और ये टायर निकाल लिया पीछे अजय यहाँ लगा पहले हाँ बहुत सही काम कर रहे हो इसको है ना अत्यो को एक बार धो दे ठीक है फिर कंप्लीट कर देंगे हम ले देखो गाइस ये लाइट लगाई दिखाइयो पीछे से चेंज करियो चेंज कर सही लग रही है ना इंडिकेटर नहीं है ना तेरी में बढ़िया लग रही है छोटी सी लाइट है और देखो ये दोनों साइड से हो रहा है ये देखो ये एक साइड से एक बार कर दिया एक साइड से दोनों साइड खराब हो रहे हैं और भाई अपने देखो टायर खोल रखा है पता नहीं कब रेडी करे ओ इस साइड से भी हो रही है इस पर तो रैप करवा लें अजय ने खोल के पटक रखी है अभी तो आगे वाले भी नहीं लगे पीछे वाले लगा रहा है पहले देखो अब हाफ लग जाएंगे देखते हैं कैसी लगेगी है ना लगने दो एक बार ही ना अच्छा कितने किलोमीटर पर खराब हो जाता है ज़्यादातर 18-20 हज़ार तो भाई देखो एक और खर्चा आ जाता है 15,000 के आसपास चलने के बाद ये स्पॉकेट चेंज करवाना पड़ता है ये टूट जाते हैं इसके नक्के है ना ये तो पहले चेंज करना पड़ता है आपको पहले ही करवाना पड़ता है उठाते हैं ना अब बढ़िया चलेगी बिल्कुल है विली विली मारते हो ना लोड पर झटका पड़ता है उस पर अब तगड़ी चलेगी ना ये बता तू आवाज़ तो आती थी हल्की हल्की सी कट 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 नहीं नहीं कट कट तो नहीं आती थी इसमें से जैसे रफीकी में से आ रही थी व्लॉग देखा था मैंने कटर कटर ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी इसमें तो भाई अब ये चैन साफ होगी पीछे वाली और फिर इसकी धुलाई अपन कल करवाएंगे लेट हो रहे हैं क्योंकि रोज़ा खुलने वाला है एक बार देखो लुक देखो ऐसी आ रही है बढ़िया लग रही है एक नंबर भाई ओए इधर आ बता कैसी लग रही है लुक लग रही है ना जहर हाँ भाई बढ़िया लग रही है मेरा चेहरा देखो कैसे उतरा उतरा हो गया क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज बाकी फाइनल लुक तो भाई कल इसको वॉश करने के बाद कल के व्लॉग में दिखाऊंगा है ना अभी अपन फटाफट काम करवाएं और घर चलते हैं फटाफट है ना थक गया मैं बहुत ज़्यादा पीछे वाला तो लग गया है ना अब आगे वाला लगेगा और भाई जो इसका फुल है ना वो अपने पास बिल्कुल सेफ है एक तो तोड़ दिया हमने एक मैंने मंगवा रखा है घर पर रखा है और एक ये रहा देखो बिल्कुल नया बिल्कुल ये न्यू है मैंने अभी मंगाया था ये टूट गया था ना एक और एक घर पर रखा है तो जब अपन को फुल लगाना होंगे ना अपन फुल लगवा लेंगे इसका दूसरा वाला उस साइड वाला हिस्सा ना घर पर ठीक है इसको तो रख ले गाड़ी चैन बंद कर दे इसी वैसे एक बार ये और चेंज हो जाए सिर्फ 20 मिनट बच रही है रोज़ा खुलने में भाई हो गया काम कंप्लीट अपनी पैंथर का और देखो क्या प्यारी लग रही है ना अब फटाफट से घर चलते हैं रोज़ा खुलने वाला ये रहा अपना हेलमेट चलें काली परेशान हो गया बहुत ज़्यादा तो चलो है ना रास्ते में बात करते हैं तो भाई काम तो हो गया कंप्लीट बस अब इसका टैंक का लेमिनेशन बचा है अब आपने देखी होगी ना बाइक कैसे चमक रही है क्योंकि भाई मैंने ये अलॉय वगैरह साफ़ की थी और व्हील कवर डलने के बाद भाई बहुत प्यारी लग रही है वैसे इसका जो टैंक है ना ये मुझे थोड़ा सा इस पर काफ़ी मतलब जो वो है ना लेमिनेशन उस पर काफ़ी स्क्रैचेस हो रखे हैं तो चेंज होने के बाद अपनी बाइक की पता है लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी बिल्कुल मतलब ऐसी हो जाएगी बिल्कुल जैसे जैसे नई बाइक हो है ना तो भाई परेशान हो गए अपन 2 घंटे यहाँ पे अपन को लग गए हैं अपन 4 बजे आए थे और अब 6:15 हो रहे हैं 6:20 हो रहे हैं और 6:40 पर रोज़ा खुलेगा तो अब फटाफट घर चलते हैं भाई फटाफट ओहो मुझे बहुत जल्दी जाने की भाई देखो इसमें ना इस पॉकेट चेंज होने के बाद ना बहुत प्यारी चल रही है जो आगे का इस पॉकेट है ना उस वो टूट गया था वो टूट जाता है नॉर्मल बात है मतलब विली वगैरह करते हैं या फिर ज़्यादा चलने के बाद हो ही जाता है उसका काम तो भाई ज़्यादा महंगा नहीं आता वो तो 200 रुपये का समथिंग इसका इस पॉकेट आया था तो भाई उसको डलने के बाद ना काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है पहले पता चैन में से आवाज़ आती थी मेरे को लगता था कि
चैन में चैन सूखी हुई है भाई, मैं क्या चैन अपनी मतलब साफ कराता रहता हूँ टाइम टाइम पे। हाँ भाई इधर ही चल रहे हैं है? नहीं मेरा घर ही उस तरफ है, चल आ जा कोई नहीं आ जा। ये अपना वंश भाई है NS 200 वाला, नई वाली है NS ही। अरे यार भाई भीड़ इतनी पड़ रही है ना बहुत ज्यादा। हाँ मैं क्या कह रहा था, स्पोक मैं अपनी चैन पता साफ करवाता रहता हूँ, मतलब गंदी हो जाती है ना टाइम टाइम पे। भाई बाड़ा की कोचिंग की छुट्टी हुई है और भीड़ देखो कितनी कैड़ी पड़ रही है। इसने क्या एग्जॉस्ट चेंज करवा रखा है क्या, अभी पूछते हैं इससे। आवाज़ तो प्यारी आ रही है इसकी भाई। बाइक क्या चल रही है यार, मक्खन बिल्कुल। चलो भाई यार कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, थोड़ा सा खुलने वाला है। हाइपर राइड करते हुए फटाफट मिनट से पहले घर पहुँचते हैं। एक तो जो ये होते हैं ना भाई, मतलब खैर छोड़ो कुछ नहीं कहना, नो मोर वर्ड्स। देखो फ़ोन पे बात कर रहा है और भीड़ में चल रहा है, इनके लिए तो यार वर्ड्स अपने आप ही निकलते हैं। अरे यार काली कैप उड़ा दी तूने यार। पकड़ क्या करें, पैंथर की स्पीड इतनी है कैप वगैरह तो उड़ती रहती है। पकड़ ले मुझे, पकड़ ले गाड़ी हम भाई, गाड़ी पकड़ ले यार गिर जाएगा। भाई ये थोड़े से पता है अजय काम कर रहा था ना तो थोड़े चिकने से हो रहे हैं, मतलब पकड़ अच्छी नहीं बन रही, बट कोई नहीं अपन आराम से चलते हुए चलते हैं फटाफट घर। मैं सोच रहा था कि आज तो रोजा भाई बाहर ही खोलना पड़ेगा, बट मैं हो गया टाइम पे फ्री। वो गया वापस। काली ऐसे पकड़ ले यार एक बार, गिर जाएगा, छोटा सा तो है तू उड़ जाएगा। पीछे वाला बंदा बैठा है ना, अगर वो पकड़ के बैठा है तो कॉन्फिडेंस आता है, और वो पकड़ के नहीं बैठा ना तो ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, इसलिए ना पकड़ के बैठते हैं ना तब तो फिर पूरी भगाओ भाई खींच के। तो भाई देखो लुक्स तो मैं प्रॉपर आपको कल दिखाऊंगा पैंथर की, क्योंकि अभी अपन लेट हो रहे हैं, घर जाएंगे रोज़ा खोलेंगे तो प्रॉपर लुक्स कल सिनेमैटिक शॉट्स के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। भाई टाइम बचा है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट और अपन घर आ चुके हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। अमन का तब से कॉल आ रहा है भाई अब तक फ्री नहीं हुआ। मैंने कि यार क्या करें, थोड़ा टाइम लग जाता है भाई। अब अपनी बाइक बिल्कुल प्रॉपर है, अब अपन टॉप स्पीड भी चेक करेंगे जल्दी, बस एक बार लेमिनेशन करवाना है इसका, कल परसों में करवा देंगे। ओ हाँ एक चीज़ जो रही गई अपन भूल गए, कौन से ट्रायर हैं इसके, कोई ना करवा लेंगे अब सारे कर्म।
भाई किधर जाएगा, हट जा। ग्राउंड के रास्ता से भाई आ गए अपन घर, और आ गई ना अपनी पैंथर पुरानी वाली लुक में। भाई मेरे को फुल वाले से ना ये वाला अच्छा लग रहा है, देखो ठीक है। बाइक अच्छी चल रही है, मतलब काम करवाने के बाद अच्छी चलती है भाई। तो चलो भाई मैं रोजा खोल लेता हूँ फटाफट, है ना, फिर मिलता हूँ आपसे। काली तू घर जा रहा है? हाँ भाई घर जा रहा हूँ। ला तो ला भाई की चाबी, ला भाई साइड में ही खड़ी करूँ यार, मिलता हूँ रोजा खोल, है ना भाई। रोजा खोल लिया, और रोजा खोलने के बाद तो तुम्हें पता है मज़े आ जाते हैं, लेकिन पता है रोजा खोलने के बाद और फिर दो तीन घंटे बाद ना डिहाइड्रेशन से होता है, प्यास लगती है, पानी कितना ही पी लो लेकिन वो प्यास बुझती नहीं है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो पता नहीं तुम्हारे साथ होता है नहीं होता। और भाई अरमान लगा रहा मलूक होने का जुगाड़ लगा रहा है। देखो मलू खोने का मैंने उसका बड़ा रखा था। मलू खोने का नुस्खा बना रहा है तुम्हारा यार, नेचुरली मलूक है ये, पता नहीं क्या क्या लगाता रहता है। अरमान को एक्सपोज कर दिया तुम्हारे भाई ने आज, पता क्या लगा रखा, नींबू और शहद मिला के फिर चेहरे के लगा रहा है। मतलब चेहरे पे जो दाग है ना वो चल जाते हैं, मैं ही लगाऊँ क्या, छोड़ो फालतू चोच लें, अपना आप मलूक हो जाते हैं। तो ठीक है गाइस, बाइक कैसी ली, मैं क्या ढूंढ रहा था, भूल हो गया, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, खाऊंगा अब। तो भाई साहब बाइक आज कैसी लगी थी कमेंट कर देना, बाकी फाइनल लुक कल अच्छे से दिखा दूंगा, सिनेमैटिक शॉट दिखा दूंगा कल। बाइक में और काम करवाना है, फिर फाइनल लुक दिखाना है ना, मतलब फाइनल लुक दिखाऊंगा। और कल मुझे उसमें ना अपना नाम लिखवा के लाना है, एक तो ऑफिशियल मतलब यूट्यूब का नाम और ऊपर स्क्रीन पर लिखवा के लाना है। तो कल चलते हैं, कल उसको अपने सारा काम कंप्लीट करवा लाएंगे, फिर देखना फाइनल लुक, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलते हैं कल, बाय।